नमस्कार मित्रों, बहुत संकट का दौर है और ऐसे संकट के दौर में हम लोग खुले में बात ही नहीं कर पा रहे। और खुले में बात ना करने का मतलब है कि लंबे समय से हम लोग बंद हैं, बंद। और इस बंद में जब भी किसी से बात होती है तो ऐसा लगता है कि वो उनके अंदर एक विशेष तरह का भय समाहित हो गया है, जिस भय की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को कैप्चर कर लिया गया हो। डरे हुए लोग, उनमें हिम्मत सही बात कहने की खत्म हो गई, ऐसा माहौल बन गया है। इसके पीछे कारण क्या है? चारों तरफ एक ही तरह का भय समाया हुआ है, चाहे वह पॉलिटिशियन हो, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह अन्य किसी भी क्षेत्र का, पत्रकारिता का। पत्रकारिता वाला तो अद्भुत किस्म से चीज़ों को बोल ही नहीं रहा है। हम लोग तो बड़े हुए हैं भाई, ऐसे पत्रकारों को पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके, जो रोज सच कहते थे। सवेरे पता चलता था कि जो सरकारी तंत्र है उस तंत्र के अलावा जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी खामियां हैं, वो कितने स्पष्ट तौर से वो मीडिया रखता था। लेकिन आज वो मीडिया भी नकारा था। जो लोग मीडिया में वैकल्पिक मीडिया, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, उस पर कुछ नाम हैं, जिनमें उर्मिलेश्वरी, आरफा खानम, शेरवानी और थोड़ा बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट, क्या नाम है उनका, देखिए क्या नाम है उनका, तो याद आ जाएगा, बताएंगे, दिमाग में ही है। और तो भाई ये जो दौर है, इस तरह का जो दौर है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही अलग तरह का मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है। अब इस संदेश का, हाँ, राजनेताओं में ऐसे राजनेता जो जेल में डाल दिए गए हैं, ऐसे राजनेता जो खुले खुल्लम लूट रहे हैं, ऐसे लोग जिनको जो विदेशों में भाग गए हैं, वो आर्थिक इतने बड़े घपलेबाजी देश की करके और देश ही छोड़ गए हैं। और आए दिन अभी सोशल मीडिया पे खबर आ रही थी कि बहुत सारे डिफॉल्टर्स के पैसे सरकार ने माफ कर दिए। ये सब क्या हो रहा है? किस तरह की चीजें हो रही हैं? इन सब पर विचार करने के लिए हमें बहुत ही सजग तौर पर और सजग लोगों के साथ बैठना होगा। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो हम फिर बात करेंगे और अपनी डिटेल में आपको बताएंगे, तो हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुनने का।